दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना विंटर का हॉल, इंक्लूडिंग दिस मरून लेदर जैकेट जिसके ऊपर वर्क हुआ है। तो फाइनली ये विंटर का सबसे ज्यादा पीक टाइम है, दिसंबर एंड से लेके जनवरी मिड तक विंटर बहुत ही ज्यादा रहती है, तो इसमें हमें सबसे ज्यादा वुलन क्लोथ्स की जरूरत होती है। तो यहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये फर्स्ट विंटर वेयर का हॉल, यानी कि फर्स्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि और भी हॉल्स आने वाले हैं विंटर के। तो आइए अब जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, नाउ मूव ऑन टू वीडियो। सो गाइज, ये वाला हॉल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, सिर्फ 4 ही क्लोथ्स हैं जो आज वाली इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ ये ब्लैक लेदर जैकेट से। तो ये ब्लैक प्लेन लेदर की जैकेट है, और ब्लैक जैकेट यार ये तो असेंशियल है विंटर्स के लिए, ब्लैक लेदर जैकेट होना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये फुल स्लीव्स की लेदर जैकेट है, इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी है, यानी कि आपको थाइस तक आएगी, और जो मेरा साइज है वो है M। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने कहां से परचेज किए हैं, तो मैंने ये एक ऑनलाइन स्टोर से परचेज किए हैं। हर एक प्रोडक्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि फिर आप पूछते हो कि दी आपने कहां से लिया है, आप प्लीज इसका ऑनलाइन लिंक हमें दे दो। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं, हर एक प्रोडक्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसका प्राइस है 1999, यानी कि 1999 रुपए की ये जैकेट है। जनरली जो लेदर जैकेट होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है, और इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल प्योर और लेदर लग रही है ये देखने में, और मैंने पहन भी ली है, यानी कि एक दो बारी वेयर कर ली है, और ये मेरे को काफी ज्यादा वार्म फीलिंग भी दे रही है। और मैं बैक से भी आपको इसका डिजाइन दिखा देती हूँ। तो प्लेन है और लेदर में जिस तरह से ऐसे ऐसे कट्स दिए होते हैं डिजाइन वाले, ये इसमें उसी टाइप के कट दिए हुए हैं, यानी कि स्टिचिंग वगैरह जो डिजाइन होता है स्टिचिंग का, वही इसमें डिजाइन दिया गया है। तो नेक्स्ट है मेरा ये वुलन टॉप, ये आप इसका प्रिंट देख सकते हो, जैसे एनिमल प्रिंट होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही प्रिंट में है, बट इसका कलर डिफरेंट है। एनिमल प्रिंट वाला जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलोइश ब्राउनिश होता है, बट ये रेडिश मैरून में है, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये वाला प्रिंट एनिमल प्रिंट टाइप डिफरेंट कलर्स में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये राउंड नेक दिया गया है इसका, फुल स्लीव है इसकी, और ये है एक्राइलिक वूल में स्लीव में, यहाँ पर इस तरह से ये ब्लैक कलर का पैटर्न आप देख सकते हो। ये फ्रंट है इसका और ये बैक दी गई है वुलन इनर पहनकर, इसके ऊपर जो मैंने अभी आपको लेदर की जैकेट दिखाई ना वो पहनकर इसको बाहर जा सकते हो, आपको बहुत ही ज्यादा वार्म फीलिंग आएगी। और इसका जो प्राइस है वो है 799 रुपीज। नेक्स्ट है मेरा ये एक श्रग टाइप टॉप, ये दोनों जो टॉप्स दिखाए हैं ना मैंने आपको, ये मैंने अभी तक वेयर नहीं किए हैं, मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ उसके बाद ही पहनूंगी। इसके फ्रंट में इस तरह से 1 2 3 बटन्स दिए गए हैं, और बाकी का ये जो नीचे का पैटर्न है ये इसका ओपन है, यानी कि ये फ्रंट से ओपन है, ये इसका डिजाइन दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये श्रग टाइप है, और इसकी भी स्लीव्स है फुल, इसमें कॉलर दिया गया है थोड़ा सा श्रग पैटर्न देने के लिए, और साथ में ही ना इसके फ्रंट में पॉकेट्स भी दी गई हैं, जो मतलब आई थिंक पॉकेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं जब भी बॉटम वेयर लेती हूँ ना उसमें तो हमेशा सोचती हूँ कि यार मेरे बॉटम वेयर में पॉकेट बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, और इसमें इन्होंने स्वेटर में भी पॉकेट दी है, और ये भी है एक्राइलिक वूल, और इसके जो नेक में मैंने आप लोगों को बता ही दिया 3 बटन्स दिए गए हैं, और इसका लुक मैं आप लोगों को पहनकर भी दिखा ही रही हूँ साइड बाय साइड के कैसा लग रहा है ये। और ये जितने भी मैंने आपको दोनों टॉप दिखाए हैं दोनों के दोनों हैंड वॉश हैं, और जो जैकेट्स होती हैं आप उसको हमेशा ही ड्राई क्लीन करवाएं, ड्राई क्लीन कराने से आपके जो कपड़ों की लाइफ होती है वो और भी ज्यादा हो जाती है। और इसका जो प्राइस है वो है 649 रुपीज, और आई थिंक इसके नीचे ब्लैक प्लेन हाई नेक स्कीवी या फिर व्हाइट स्कीवी भी इसके नीचे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है। एंड गाइस, जो मेरी लास्ट एंड फेवरेट है वो है ये वाली मरून कलर की जैकेट। ये मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर ना ये आप देख सकते हो ये सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, और इसके इस वाली साइड भी एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव्स पर भी एम्ब्रॉयडरी है, जो मुझे इसकी सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी है कि इसके ऊपर जैकेट के ऊपर ना लेदर की जैकेट के ऊपर ये थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है,
और मेरे को जो साइज आता है वो होता है एम, और ये मेरे को एकदम परफेक्ट फिट आया है, इजीली बंद हो जाएगी और इजीली मतलब इसकी स्लीव्स भी एकदम परफेक्ट फिट जाई हैं, और इवन इसका कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इसकी स्लीव्स में यहाँ पर भी जिप दी गई है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जिप दी गई है दोनों साइड, इसका पैटर्न डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। अभी लिटिल बिट कॉस्टली है बट आई थिंक इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसका फैब्रिक और जो इसकी लुक है ना उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस परफेक्ट है, जो है 2499 रुपीज। हर एक कपड़े का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है, तो अगर आपको इन चारों में से जो भी चीज़ पसंद आई हो और आप उसको परचेज करना चाहते हो, क्योंकि आपको ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, आप चाहते हो कि हर एक चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं वो हमारी लोकल मार्केट में नहीं जा सकते हैं, बट इस बार मैंने सारी की सारी ऑनलाइन चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हो तो ऑनलाइन जाकर परचेज कर सकते हो। और इन चारों में से आपको सबसे अच्छा मेरा क्लोथ कौन सा लगा उसके लिए भी कमेंट कर ज़रूर बताना, और आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी कमेंट कर जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें, एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय गाइस।